भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप का महामुकाबला होगा। जैसे जैसे ये महामुकाबले की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शहर में होटलों का जो किराया है वो आसमान छू रहा है। एक दिन के लिए होटल का कमरा 50,000 से 70,000 रुपए तक में मिलने लगा है। रिकॉर्ड किराए को देखते हुए देश विदेश से आने वाले लोगों ने अनोखा जुगाड़ निकाल लिया है। वे अब महंगे होटलों की जगह अस्पतालों में कमरे बुक कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में कमरे क्यों बुक कर रहे हैं, यहाँ किफायती दाम में उन्हें कमरे के साथ साथ दरअसल खाना भी मिल रहा है। अहमदाबाद के ही एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ये बताते हैं कि भाई लोग हॉस्पिटल में फुल बॉडी चेकअप के बहाने एक या दो रात के लिए कमरे बुक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर NRI हैं जो मुंह मांगे दाम पर डिलेक्स से लेकर के सूट रूम बुक कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अहमदाबाद में होटल का किराया 20 गुना तक बढ़ गया है। ज्यादातर होटलों में 15 अक्टूबर के लिए कमरा खाली नहीं है। अहमदाबाद के एक अस्पताल के डायरेक्टर का ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ बॉडी चेकअप नाइट स्टे के लिए कुछ पैकेजेस हैं। मैच की तारीख घोषित होने के बाद 14 और 15 अक्टूबर को एडवांस बुकिंग के लिए कनाडा और दिल्ली से इंक्वायरी भी आई है। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि आपके अस्पताल से क्रिकेट स्टेडियम आखिर कितनी दूर है। तो वहीं एक अन्य अस्पताल के CEO ये बताते हैं कि इस साल अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बॉडी चेकअप की बुकिंग के लिए केन्या तक से पूछताछ आ रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला भी 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही होना है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच भी यहीं होगा। वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमें लीग स्टेज में 9 मुकाबले खेलेगी। टूर्नामेंट के मैच 10 अलग अलग वेन्यू पर होंगे। भारत अपने 9 मैच 9 अलग अलग वेन्यू पर खेलेगा। अहमदाबाद में टीम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी जो कि 15 अक्टूबर को खेलेगी। अगर टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल भी अहमदाबाद में ही होगा। भारत अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।